तो इधर जमशेदपुर पोटका के टांगराइन में ग्रामीण श्रमदान कर सड़क बना रहे हैं, साथ ही सड़क को सरकार को ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टांगराइन दावनटार जोजोडी दामुडी और सोनाजुड़ी कोपे मौजा के ग्रामीणों ने टांगराइन सबरनगर से सरदार गोड़ा होते हुए करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा सड़क के अलग बगल जमे झाड़ियों को श्रमदान कर साफ सफाई किया। वहीं सड़क में बने गड्ढे को मरम्मत भी किया गया है। बुजुर्गों का कहना है कि 60 के दशक में इस रास्ते पर ट्रक चला करती थी, वर्तमान समय में मरम्मत के अभाव में यह पगडंडी बन गया है। आज हम लोग श्रमदान कर साफ सफाई कर रहे हैं, खराब गड्ढे को भर रहे हैं। यह सड़क बन जाने से झारखंड एवं उड़ीसा में आवागमन की भी सुविधा हो जाएगी। हम लोग झारखंड जो अभी जो श्रमदान से हम लोग बनाने जा रहे हैं और टंगराइन तक, ये लगभग 2.5-3 किलोमीटर का दूरी होगा और हम लोग चाहते हैं ये पगडंडी रास्ता श्रमदान से 3-4 गांव मिल करके इसको अगर हम लोग करते हैं तो भविष्य में आने जाने की सुविधा होगा और उड़ीसा का जो दुमा गांव है उन लोग का बहुत ही जरूरतमंद चीजों का जो खरीद बिक्री होता है टांगराइन से ही संबंधित रहता है, या तो कोई शारीरिक बुखार उखार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है राशन पानी। और इधर टाटा जाने के रास्ते में जैसे अलीपुर मार्केट होता है वो सब भी हम लोग देखे। झारखंड के कौन कौन से गांव लाभान्वित होंगे? झारखंड के यहाँ 4-5 गांव लाभान्वित होंगे, विशेष करके टांगराइन हुआ, जोजोडी हुआ, दामुड हुआ, सिजिल साई, कोपे और चाकड़ी। ये सीमा, ये रास्ता खुल जाने से इन लोग का काफी यातायात सुविधा होगा, व्यवसाय वाणिज्य जो भी है माने सुविधा होगा। सरकार से क्या अपेक्षा? ये है बहुत परिचित लोगों से आशा था। ये 60 की दशक में यहाँ पर ट्रक जाती आती थी, ऐसे कि बैलगाड़ी भी वहाँ पहुँचते थे। और अगर इस रोड को अगर अभी हम लोग वहाँ से जुड़ देंगे, वहाँ से जुड़ा जाएगा उड़ीसा और झारखंड।